नहीं थी बिल्कुल, पता नहीं अचानक सरप्राइज दे दिए संगीत वाले दिन में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है शादी वाला व्लॉग, आज आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने पहना था ये सिल्क की साड़ी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मतलब लाइफस्टाइल की साड़ी है, ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, और इसको मैंने लिया था मयूरी कलेक्शन से। तो जी, यहाँ पर बारात जो है आ चुकी है, बस पहुँच ही गई है। तो बस बरातियों के स्वागत के लिए यहाँ पे घर वाले सब कोई खड़े हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है पटाखे यहाँ पे फोड़े जा रहे हैं। वैसे तो हर जगह में ही इतने होते ही हैं, तो बस यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बस यहाँ पे जो है बारात आ चुकी है, और यहाँ पे करने वाली है मासी बोरोन, मतलब जमाई का जो है, दामाद जी का जो है, वो स्वागत होगा यहाँ पे अभी। बारात की जो है स्वागत हो चुकी है, और अभी मेरी सिस्टर को, मतलब वर्णाली को, बस लेके जा रहे हैं रिसेप्शन हॉल पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, बिकॉज मैं माही को रेडी कर रही थी। माही का एक्चुअली था पहले साड़ी पहनाने का, बट सब कोई नीचे आ गए थे, बस मैं ही अकेले रह गई थी। तो माही को साड़ी पहनाने में, आप समझ ही रहे थी, छोटी बच्ची को साड़ी पहनाऊँगी तो मैं पागल ही हो जाती हूँ, इसलिए मैं फिर साड़ी वाड़ी रख के फिर मैं उसको ये वाला जो लहंगा है वो पहना दी हूँ। और अभी बस आ गए हैं बहन के यहाँ पे, ये ससुर जी हैं, मतलब उसके पापा, तो अर्पण जी के पापा हैं। तो बस यहाँ पे आशीर्वाद हो रहा है हमारे में, यहाँ लड़की का आशीर्वाद करते हैं, लड़के का भी आशीर्वाद करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन का आशीर्वाद कर रहे हैं उसके फादर इन लॉ। सब छोड़ के मैं ना थोड़ा देर के लिए ऊपर आ गई कि बिकॉज माही का ड्रेस बहुत बड़ा हो गया था, तो उसको मैं चेंज करा के बस मैं जा रही हूँ अभी नीचे, ड्रेस चेंज करा के। और मैं अपना स्टाइल भी चेंज कर लिया है, बिकॉज जो जूड़ा बनाया था वो जूड़ा पूरा जो है ना खुल जा रहा था, एकदम बहुत बेकार सा लग रहा था। सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा था हेयर स्टाइल, बट मुझे एकदम पता नहीं अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं थी मैं, क्योंकि वो जूड़ा ना पूरे तरह से खुल जा रहा था। तो बस यहाँ पे रिसेप्शन हॉल में हम लोग सब बैठे हुए हैं, अभी सब मजाक मस्ती चल रही है। थोड़ी ही देर में जो है बहन का और अर्पण जी का जो है जयमाला होने वाला है। तो हमारे में थोड़ा जयमाला थोड़े अलग टाइप का होता है, आप लोग में कैसा होता है मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। फ़िलहाल जो है शादी की जो तैयारी है, जो पूजा है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और मौसा जी जो है कन्यादान के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग में ही जो है कन्यादान वो हो जाता है, अर्पण जी का स्वागत हो चुका है, बस अब थोड़े ही देर में जो है जयमाला होगा। हम लोग जिसको बोलते हैं शुभ दृष्टि, मतलब एक हमारे यहाँ पे ना, मतलब जब लड़का लड़की पहली बार अपने आप को, मतलब एक दूसरे को देखते हैं, तो छुप के देखते हैं, सबके सामने नहीं देखते हैं, तो एक बड़ा सा चादर जो है वो ओढ़ा दिया जाता है ऊपर में। तो चलिए फिर आगे दिखाऊंगी मैं आपको कैसा है, खूब बहुत ही मज़ा आता है हमारे यहाँ पे वरमाला के टाइम में। तो बस यहाँ पे माही को मम्मी लेके बैठी हुई है, और हनी जो है अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। हमारी दुल्हनियाँ आ रही हैं, पकड़ो।
नियम है कि जो वर रहेगा उसके चारों तरफ मतलब 7 बार जो है दुल्हन को ऐसे घुमाया जाता है, तो यहाँ उसी को लेके जो है सारा मस्ती चल रहा है। यहाँ पे ना एक छोटा सा मजाक मस्ती वाला कंपटीशन होता है कि दुल्हन को ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं कि दूल्हा को। एक्चुअली वरमाला होने वाला है यहाँ पे, तो बस उसी को लेके थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है कि दुल्हन को जितना ऊंचा रखेंगे दूल्हा उसको हाथ जल्दी से नहीं डाल पाएगा, या फिर दूल्हा को ज़्यादा ऊपर करके रखेंगे तो दुल्हन उसको हार नहीं पहना पाएगी। तो सारे लोगों में ये थोड़ा सा छोटा सा कॉम्पिटिशन तो होता है, तो हमारे में भी यही होता है। इसको लेके हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वरमाला तो हो गया था, अब आ रही है हमारी पेट पूजा की। बहुत ज़ोर से जो है कि भूख लगा था, हम लोग वेट ही कर रहे थे कि जैसे ही जयमाला होगा फिर हम लोग यहाँ पे अपना डिनर कर लेंगे। तो हस्बैंड को मैंने लाके दे दिया था, भाई भी खा रहा था। ये सारे लोग जो है जितने भी मेम्बर है सब कोई घर वाले उधर, क्या एक्चुअली शादी थोड़ी बैठ गई थी वहाँ पर, मतलब शादी का जो भी रिचुअल्स है वो उधर हो रहा था। हम लोग बस वेट कर रहे थे कि बस लंच मतलब सॉरी डिनर करके उसके बाद हम लोग जाएंगे शादी हॉल में जहाँ पर जो है शादी हो रही है। तो बस मैं यहाँ से इन लोगों को बच्चे लोगों को ले जाके रेडी करवा के सुला के आऊँगी, उसके बाद ही जो है मैं इधर आ पाती। इसलिए मैंने वो वाला काम जो है निपट लिया, मतलब बच्चों को जो है वहाँ पे सेट करके हस्बैंड के साथ, और बस हम मैं इधर आ गई हूँ नीचे। तो मेरे आते तक जो है आधा जो शादी था वो हो ही गया था, बस अभी जो है सिंदूर दान जो है वो बचा हुआ था। तो चलो मैंने बोला कि चलो इतना ही कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे लोग जो है डिनर करने के लिए चले गए थे, तो सारी शादी जो है ऑलमोस्ट हो गई थी हमारे आते तक, बस सिंदूरदान ही बचा हुआ था। तो बस यहाँ पे जो है सिंदूरदान हो रहा है, और सिंदूरदान के बाद जो फेस खिला है मेरी सिस्टर का आप देखते रह जाएंगे, जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर।
हमारे में ये मेन नियम रहता है कि जब सिंदूर दान होता है तो जो दूल्हा रहता है वो दुल्हन का फेस बिल्कुल भी नहीं देखता है, इसीलिए जो है ये हम लोग ढक देते हैं। ये दीदी ने बहुत ज़्यादा ही ढक दिया था, उसके बाद जो है उसको ठीक करेंगे। तो बस यही रहता है हमारे में कि फेस जो है वो नहीं देखते, बिना देखे जो है सिंदूर दान वो होता है। और आप बताइए कि मेरी बहन कैसी लग रही है, देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब क्या ही बताऊँ, देख के बहुत अच्छा लग रहा था, देख के बहुत सुंदर लग रही थी। जी बस इसी के साथ जो है शादी जो है वो हो गई है, कंप्लीट हो गई है शादी, और हवन कुंड में भी जो भी रहता है वो कर दिए हैं उसको। तो बस शादी कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद जो है थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन होगा, प्रणाम वगैरह ये सब होता है, क्योंकि शादी के बाद जो है बड़ों को प्रणाम करना चाहिए आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ था, बस इसके बाद जो है इन लोगों को डिनर करवा देंगे, क्योंकि ये दोनों लोगों का तो फास्ट रहता है, बस मतलब फलाहार में ही रहता है। उसके बाद जो हम लोग घर निकल जाएंगे, घर जाने के बाद फिर जो है विदाई का जो रसम है वो होने वाला है। और मैं पहले बता दूँ, विदाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हुई थी, मतलब हंसी खुशी विदा किए थे हम लोग पहले ही सोच के रख लिए थे कि बिल्कुल रोना गाना नहीं होगा। वैसे कौन सी विदाई में रोना गाना नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है बस, लेकिन इस माहौल को हम लोगों ने ख़राब नहीं किया था, हम लोग बहुत अच्छे से इसको भी इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मेरी बहन का बोलना यही था कि मैं मूड ऑफ करके नहीं जाने वाली हूँ घर से, मैं बिल्कुल अच्छे से जाऊंगी और अच्छे से आऊंगी। इसीलिए जो है एकदम हंसी मजाक के साथ जो आशीर्वाद हुआ, उसके बाद जो भी विदाई की रस्म है वो ही है। तो जी इसी के साथ जो है ये वाला व्लॉग को मैं ही एंड करूँगी। विदाई के बाद जो है मैं कुछ व्लॉग मैंने नहीं बना पाया था विदाई के टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद तो रोना गाना हुआ ही था, तो उसके बाद जो है कैप्चर नहीं हो पाया कुछ भी। तो यहाँ पे बस मस्ती हो रही है थोड़ी बहुत बातों को लेके, और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो विदाई है तो उस टाइप का सीन क्रिएट नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन एंड मोमेंट पे जब जाने का टाइम हुआ वहाँ पे तो रोना आ ही गया था। तो जी बस इसी के साथ जो है ये वाला व्लॉग को एंड करती हूँ। होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो थोड़ा सा भी अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नए दिन की शुरुआत के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बन रहा है। माहौल खराब करोगे उससे अच्छा ये फंडा ठीक है। इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा ये वीडियो, ये फोटोज़ और मेरी बहन, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट वाले, तो बाय बाय।